हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे एक और न्यू इवेंट आ चुका है जिसके अंदर एक ग्लूवल की स्कीन है जो वो निकल के आई थी पहले जोकर वाली। काफ़ी अच्छी स्कीन है, बैकपैक भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो इवेंट है वो एक फिक्स इवेंट है। मतलब आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायमंड लगने वाले, कितने लगने वाले वो भी हम बता ही देंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से फिक्स है, तो बता सकते हैं भाई कितने डायमंड आपके लगेंगे, अच्छे से आपको सब कुछ बता दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10 स्पिन पे जो है बैकपैक की स्कीन है, एंड 20 पे एक मास्क है जो बहुत ही बेकार है, एंड 30 पे आपको ग्रैंड प्राइज में देखने को मिल जाएगा ग्लूवॉल की स्किन जो भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे डायमंड ज़्यादा लगने वाला है। इसके बाद देखा जाए आपको जो आप स्पिन करोगे उसके बदले आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट लिस्ट में देखा जाए तो वो है आपका कुछ आइटम जो काफ़ी बेकार है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रेजेंट लिस्ट में आपको आइटम देखने को मिलते हैं, उस पर क्लिक करके देखते हैं मैं क्या देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स है जो ओनली एक है, एक डायमंड रॉयल वाउचर है, एंड इसके अलावा गन के बॉक्सेज है जो अच्छे नहीं है। तो ये एक इवेंट है जहाँ पे इतने अच्छे आइटम नहीं दिए गए, बाकी यहाँ पे फिक्स है मतलब 30 पे ही आपको ग्रैंड प्राइस देखने को मिलेगा। तो आपको स्पिन लगानी पड़ेगी, 30 30 आपको ब्लो करना पड़ेगा। कैसे करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे जो है ब्लो 35 डायमंड के अंदर, मतलब 17 डायमंड तो फर्स्ट टाइम ही है भाई, ऐसे मत समझा, 17 डायमंड ही होगा, 17 डायमंड जो है फर्स्ट टाइम है। इसके बाद आपको 35 डायमंड देने पड़ेंगे, तो एकदम फिक्स है ये वाला इवेंट। अभी कितने डायमंड लगेगी टोटल हम आपको टोटल करके भी बता ही देंगे लास्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स है तो हम इसको बता सकते हैं इजीली। तो चलिए अभी चलते हैं हाउ टू प्ले पे, आपको क्या कुछ यहाँ पे कहना पड़ेगा वो भी हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे लिखा हुआ ब्लो आउट 1 of 2 30 कैंडल्स विद एवरी ट्राई फर्स्ट ब्लो इन डिस्काउंटेड। तो मैंने बताया जैसे कि फर्स्ट टाइम आपको 17 डायमंड ही देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद 35 डायमंड देने पड़ेंगे, तो ऐसे करके ये इवेंट है। तो चलिए अभी सेकंड पे चलते हैं, देख लेते हैं भाई इस पर क्या बताया गया है। तो उस पर भी हम क्लिक करते हैं एंड देखते हैं भाई 3 2 1 ब्लो ऐसे लिखा हुआ है इसके अंदर। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ विन ए प्राइज एवरी टाइम यू ब्लो, तो यहाँ पे लिखा हुआ जब भी आप एवरी टाइम ब्लो करोगे तो इनमें से आपको प्राइज देखने को मिलेगा, जो अच्छा प्राइज नहीं है। तो 30 स्पिन पे आपको देखने को मिलेगा ग्रैंड प्राइज, ये वाला ग्लूवॉल का ग्रैंड प्राइज आप 30 ब्लो कर दे तो 30 तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा इवेंट है। रूल्स पे देखा जाए तो रूल्स पे लिखा हुआ इवेंट चलने वाला 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक, एंड इवेंट डिस्क्रिप्शन पे देखा जाए द 13 जो ब्लो करोगे तो आपको यहाँ पे ग्रैंड प्राइज देखने को मिल जाएगा। ईच ट्राई यू विल बी एक्सेंटिंग विल ए विन प्राइज, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है आप एक भी ब्लो करते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा जो वगैरह वगैरह आइटम थे गन के बॉक्सेस वो, एंड फर्स्ट ब्लो इज डिस्काउंटेड जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। विन ए ग्रैंड प्राइज आफ्टर ब्लोविंग आउट 2 10 20 एंड 30, मतलब 10 पे आपको बैकपैक की स्किन, 20 पे आपको फालतू मास्क, एंड उसके बाद 30 पे आपको देखने को मिल जाएगा जो है ग्लूवॉल की स्किन। तो ऐसा कुछ ये करके इवेंट है, तो आपने देख लिया होगा, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। अभी देख लीजिए 3 ही यहाँ पे आइटम दिए गए हैं, काफ़ी जो है सेलिब्रेशन के लिए दिया गया है ये वाला इवेंट, जहाँ पे जो है आपको 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, जो अमीर लोग हैं उनके लिए है भाई, अपने लिए नहीं है ये वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे आपके लिए डायमंड लगने वाला है। अभी देखा जाए कैलकुलेशन करके भाई फिक्स आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये फिक्स ऐप है तो मैं आपको फिक्स बता देता हूँ, हिस्ट्री में दिखाई देगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं भाई कितना होता है, एक सेकेंड कितना है भाई, 35 डायमंड है ना, तो 35 × 30, तो 35 × 30 करके देखे तो भाई कितना होता है 1050, 1050 पर 17 डायमंड फर्स्ट टाइम ही होगा, तो 1000 लगभग 1050 आपके यहाँ पे डायमंड लगने वाले हैं। तो ऐसा इवेंट था भाई, बिल्कुल फिक्स है, मैं आपको फिक्स बता चुका हूँ क्योंकि बिल्कुल फिक्स ही एक इवेंट है। तो ऐसा इवेंट था, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक जो भी आपको जैसा भी वीडियो लगे अच्छा बुरा जैसे भी लगे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन का ऑप्शन बन के आता भाई उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट्स की वीडियो देखने को मिल सके। ओके।